नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्ट अकाउंटेंट। अपनी इनकम टैक्स सीरीज के डिस्कशन में आज आपके साथ एक डिस्कशन और जोड़ना चाहता हूं, जो सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पर्टेन करता है। बेसिकली क्या है सर, ये जो सेक्शन है 133, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पावर देता है कि वो असेसी से यदि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे, स्पष्टीकरण लेना चाहे, तो उसके संदर्भ में असेसी से नोटिस भेज करके कुछ सूचनाएं मांग सकते हैं। और अगर मैं सही रूप में बोलूं तो सेक्शन 133 का नोटिस कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट द्वारा फ्यूचर में असेसी द्वारा किए जाने वाले असेसमेंट का आधार भी बनता है। पर्टिकुलरली सेक्शन 148 में जो इनकम एस्केप्ड असेसमेंट किए जाते हैं उसके लिए 133 एक बहुत बड़ा बेसिस है। मैं एक उदाहरण से इस बात को आपके सामने रखता हूं सर, कि मेरे एक मित्र को फाइनेंशियल ईयर 2010-11 यानी असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए रिसेंटली एक नोटिस फरवरी माह में प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 लेट्स अज्यूम मार्च 2011 में कोई रियल एस्टेट बेची, तो आप ये बताएं क्या आप अपने अपनी रिटर्न भरी या नहीं भरी, आपका बैंक स्टेटमेंट की कॉपी उपलब्ध कराएं, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो क्या उसके ऊपर आपने कोई कैपिटल गेन दिया है या नहीं दिया है। सर, ये नोटिस वैसे तो लोगों को डराता है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें देख लिया, उन्हें ये ट्रांजेक्शन पकड़ में आ गया, हमने रिटर्न नहीं भरी और अब ये ट्रांजेक्शन पता चल गया तो अब क्या होगा। तो सर, निश्चित रूप से सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, सरकार के पास इतनी सूचनाएं हैं हमारी कि हमें खुद भी अंदाजा नहीं। तो यदि हमसे पास्ट में कोई ऐसी गलती हुई है कि हम किसी ट्रांजेक्शन पर हमें टैक्स देना चाहिए था परंतु हमने कोई टैक्स दिया नहीं है, और अब आज हमारे को सेक्शन 133 में नोटिस आ गया जिसमें लिखा है सर आपने रिटर्न भरी या नहीं भरी, और हमें लग गया अरे रिटर्न तो भरी नहीं, या रिटर्न भरी परंतु उसमें वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर टैक्स दिया ही नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे मित्र के उदाहरण में, यदि उन्होंने कोई रियल एस्टेट बेची फाइनेंशियल ईयर 10-11 में और उसका कैपिटल गेन बताया ही नहीं, और अब डिपार्टमेंट 133 में नोटिस भेज रहा है और पूछ रहा है साहब आपने रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन किया क्या। सर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ने असेसी के ऊपर 148 का नोटिस नहीं दिया। ये 148 का नोटिस क्या है? 148 के नोटिस का मतलब है कि डिपार्टमेंट ने आपका एक असेसमेंट खोल लिया है और अब वो आपसे रिटर्न मांग रहा है, जबकि 133 के नोटिस का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एक असेसमेंट खुल गया है। यहां पर तो असेसमेंट से खुलने के पहले की तैयारी हो रही है केवल। अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? मान लीजिए मेरे मित्र ने कोई प्रॉपर्टी 40 लाख की बेची थी फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में, जिसकी कॉस्ट उसकी लेट्स अज्यूम 32 लाख रुपए थी, 32 लाख रुपीज थी, तो 8 लाख का कैपिटल गेन था, उसे लगा कौन देखता है, चलो अपन तो नॉर्मल रिटर्न भरते हैं, भरते रहेंगे। 8 लाख रुपए सर उसने कैपिटल गेन में ऑफर नहीं किया, लेट्स अज्यूम 30% की टैक्स लायबिलिटी थी, तो उसको सर 2,40,000 रुपए उस पर टैक्स देने 8 लाख के कैपिटल गेन पर, अगर वो 30% टैक्स लैब रेट में आता है तो। मेरे जैसा सीए सर उसको ये कहेगा, एडवाइस करेगा, भैया एक काम करो 2,40,000 रुपए का टैक्स दो, 6 साल हो गए होंगे लगभग आज तक, 6 साल का इंटरेस्ट भी दो और मुक्त हो जाओ। अरे क्या बात करता है यार, इतना टैक्स पे कराएगा। मान लीजिए नहीं पे करते, कोई बात नहीं, अगर उसको ज्यादा लग रहा है तो मैं बोलूंगा मत पे करो भाई, फिर आपकी कॉल है। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा सर? मोस्ट प्रोबेबली सपोज ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू 133 और ही रिस्पॉन्ड एंड ही स्टिल कंसील्स, ही इज स्टिल नॉट इन्फॉर्मिंग कि उसने कोई रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन किया है, और डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी सूचना है कि साहब रियल एस्टेट तो बिकी है, तो ऐसी परिस्थिति में सर उस व्यक्ति का सेक्शन 147 में असेसमेंट होगा, और उस असेसमेंट में यदि 8 लाख रुपए जुड़ गए तो न केवल सर टैक्स लगेगा, न केवल इंटरेस्ट लगेगा, बल्कि पेनल्टी भी लगेगी, और ये पेनल्टी सर होगी 100% टू 300% ऑफ टैक्स अमाउंट सॉट टू बी विड। यानी यदि मेरे एग्जांपल में 8 लाख पर 2,40,000 टैक्स बनता है आज तक का ब्याज सहित, मान लीजिए 5 लाख रुपए भी मैंने पे करा दिए, और यदि वो अब नहीं पे करेगा और अब डिपार्टमेंट असेसमेंट करके उससे ये अमाउंट रिकवर करेगा, तो न केवल 5 लाख लेंगे सर बल्कि 2,40,000 टैक्स के बराबर की पेनल्टी और लगेगी। नाउ इट्स योर कॉल, व्हाट डू यू वांट टू डू। कोई कहता है सर मैंने प्रॉपर्टी तो बेची थी परंतु एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली भाटिया साहब, तो मैंने बताया नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी बेची और खरीदी। अगर सर आपने प्रॉपर्टी बेची थी और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली
और आप सेक्शन 54, सेक्शन 54F इन तरीके की किसी एग्जम्पशन के हकदार थे, चाहे आपने रिटर्न में नहीं बताया, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सर बहुत सारे लोग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कर चुके होते हैं और वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन करने के बाद में लॉस खा के पस्त होके बैठ गए। डिपार्टमेंट को मिल गया साहब इसने तो 3-4 करोड़ के सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन किए, तो क्या सर वो कैसे टैक्स दे हुए, उसके तो लॉस थे। अब सर उसको केवल इतना बताना है कि साहब मैंने ट्रांजेक्शन किए 3-4 करोड़ के, इसके लिए मेरी पूंजी लगी लेट्स से 5-10 लाख, उसका स्रोत ये था और मैंने अल्टीमेटली ये लॉस कमाया। यदि मेरे पर ऑडिट लगती थी तो मैंने ऑडिट कराई या नहीं कराई, वो चीजें आपको व्यक्त कर देनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है सर कि सेक्शन 133 का नोटिस आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी पोजीशन का सही एनालिसिस करिए। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी पेबल बनती है तो पे करिए, अपना होमवर्क प्रॉपर करिए। टैक्स और इंटरेस्ट यदि आप 133 के नोटिस के रिस्पॉन्स में पे करके बैठ जाते हैं तो आप पेनल कॉन्सिक्वेंसेस से निश्चित रूप से बचेंगे। कोई भी 133 की वैलिडिटी को चैलेंज करने जैसी बात की जरूरत नहीं है कि हम उस नोटिस को ही चैलेंज कर दे। आप अपना रिस्पांस करिए, रिटर्न भरिए वो बता दीजिए, ट्रांजेक्शन है वो बता दीजिए, यदि टैक्स देना है वो भी दे दीजिए। लेकिन आप यदि रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सर, तो पहली बात तो रिस्पॉन्ड नहीं करने की पेनल्टी एक है, दूसरी बात असेसमेंट खुलने की 99.99% चांसेस है। सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी इफ ही इज रिसीविंग अ नोटिस अंडर सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू एलिबरेट यू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133 इन टर्म्स ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन टू सेव और टू गेट रिड ऑफ सीवियर पेनल्टी वुड बी हेल्पफुल टू द लिसनर्स टू द व्यूअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इट वुड बी माई प्लेजर टू अटेम्प्ट देम एंड आई विल कंटिन्यू टू डू माई लेवल बेस्ट टू कम अप विथ मोर सच टॉपिक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। थैंक यू वेरी मच।